नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का, जिसको मैं एक पॉकेट रॉकेट बोलना पसंद करूंगा। ये एक वर्कास की क्रोनीलाई लिथियम आयन वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें एक बड़ा एक 60 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। और जब मैं इसको यहाँ चला के लेके आ रहा था, तो एक पॉकेट रॉकेट टाइप का काम कर रहा था। इसमें बहुत अच्छा पावर है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ और दिखाऊंगा आपको। और ये एक बहुत ही छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। मैं आपको इसके सामने खड़ा होकर दिखाता हूँ कि ये कितनी छोटी है। तो आप देख सकते हैं मेरा पैर यहाँ पर आ रहा है, तो बहुत ही एक छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर। एक फ़ोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जिनका भी हाइट कम है, उनको हाइट के लिए दिक्कत है कि मतलब वो कम चला पा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है एक बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने में, वो छोटी हाइट वाली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसका लगभग सीट हाइट 737 mm 730 mm के आसपास का है, इसको चला सकते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छा पावर के साथ चलती है। तो चलिए इसको चलाकर मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ इसका। जैसे कि आपको इसमें LED हेडलाइट्स मिलते हैं, आपको एलॉय व्हील 10 इंच का मिलता है, ट्यूबलेस टायर भी 10 इंच का है। इसमें आपको आगे में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसका नाम है वर्कास क्रोनीलाई न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सहारा इवोल्स देख रही है, उसी के शोरूम पे आपको ये परचेस करने को मिलेगा। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, 250 वाट का मोटर मिल जाता है, बहुत अच्छी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिल जाती है। पीछे भी 10 इंच का ट्यूबलेस टायर और अलॉय व्हील में वही मोटर आपको सेट किया हुआ मिल जाएगा। पीछे शॉकर भी इसका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ग्लाइड करता है एक तरह से हम बोले तो। और इसमें आपको चार्जर भी मिल जाता है, जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो ये आपको चार्जर मिल जाता है, स्पेसिफिकेशन आप जो है इसका पढ़ लीजिएगा। बाकी हम इसको अब चलाकर देखते हैं और चलाकर आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसी चलती है। इसको अगर मैं चाबी निकाल लूँ, अगर बंद करके मान लीजिए मैंने बंद किया और चाबी निकाल भी लेता हूँ, फिर भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हम चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल्ड है। आप जैसे कि इसको दो बार दबाते हैं तो अपने आप इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप इसको लॉक करते हैं वो बंद हो जाती है, फिर इसको डबल क्लिक करिएगा, ये देखिए स्टार्ट हो गई। फिर लॉक कर देते हैं, अगर हम जैसे बंद कर दिया और लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आगे पीछे नहीं होगी। आगे पीछे करने पर ये जो है इसका रियर व्हील जो है वो लॉक हो जाता है, जैसे आप देख रहे होंगे इसका लियर भी लॉक हो जाएगा और इस तरह से ये साउंड करने लगेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इसमें इस तरह से इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिकली आपको 70 से 80 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है, जो कि वर्कास कंपनी क्लेम करती है। 3 से 4 घंटा इसका चार्जिंग टाइम आपको मिल जाता है, और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको चलाते हैं तो। और आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का, ग्रीन एक नंबर प्लेट डाल के आप चला सकते हैं, जिसपे कोई नंबर प्लेट नहीं रहेगा। और हम बात करें तो इसमें 3 मोड्स मिल जाते हैं चला ड्राइविंग के, 1, 2, 3, और रिवर्स इसमें मिल जाता है। तो रिवर्स दबा के, और जब हम इसको मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, और जब हम इसको ऐसे आगे करेंगे तो ये पीछे जाती है रिवर्स दबाने के बाद। पार्किंग दबी हुई है, आई डोंट नो क्यों। हाँ अच्छा, 1 नंबर पर ही पीछे जाती है, क्योंकि 3 नंबर का स्पीड ज़्यादा है, तो 1 नंबर पर आप रिवर्स दबा के इसको पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। चलिए इसको चलाकर देखते हैं। यहाँ से आगे जाने पे एक फ्लाईओवर है, तो वहाँ पे हम चलाएंगे और 2 लोग हम लोग बैठ जा रहे हैं। तो चलिए, और यहाँ पे कुछ स्पेस दिया हुआ है, बहुत छोटी सी है। तो आप देख रहे हैं मेरा पैर जो है वो कर्व होके यहाँ पर मुड़ के रखा रहा होगा। मेरा हाइट जो है अभी पीछे ही जा रही है, इसको आगे करना पड़ेगा ड्राइव मोड में। और इसमें अगर मैं इसका पार्किंग दबा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे एक पार्किंग है, तो स्कूटर जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा कुछ होता है, मुझे हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा होता है। ओके नाउ, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 नंबर जो इसका गियर है जो आप देख रहे हैं, इस पर ये लगभग 20 के स्पीड में चलती है। अब हम 2 नंबर पे करते हैं, 2 नंबर पे देखिए आप कितने स्पीड तक ये जा सकती है। ऐसे इसका 36 तक स्पीड जाता है, लेकिन क्यों लोग हम लोग 2 लोग हैं तो ये लगभग उससे थोड़ा सा कम जाएगी। उसके बाद और आगे हम 3 नंबर पे मैंने कर दिया, अब जो है 34 तक चल जाएगी। अब यहाँ से हल्का सा फ्लाईओवर जो है वो शुरू हो गया है। तो काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर और पावर वावर काफ़ी अच्छा है। देखिए सामने के एक्टिवा चला रहे हैं, अगर जनरल कोई आदमी चलाता है तो इसी स्पीड के आसपास चलाता है। मैं थोड़ा मीटर उनका देखना पसंद करूँगा, 1 मिनट 40 के आसपास उसमें दिख रहा है मुझे मीटर में, 35-40 के बीच का उसका मीटर दिख रहा है। मतलब ये थोड़ा सा स्लो दिखाता है, मतलब कम दिखाता है, हो सकता है ऐसा, लेट्स सी। तो वो चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना अच्छा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सामने आप देख रहे होंगे फ्लाईओवर आ रहा है, 2 लोग हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग आराम से उस फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ तक लाते लाते एक्सपीरियंस हो गया है। आप मेरे चैनल पर बेसिकली देखते होंगे कि हम शोरूम पर उस स्कूटर के बारे में आपको बताते हैं और फिर डायरेक्टली चला कर और फिर आपको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इस स्कूटर को हम बाहर
लेके आए हैं, क्योंकि ये इस सेगमेंट में मुझे बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर लगी चलाने में। अभी भी देखिए इसमें 34 का स्पीड मेंटेन कर रहा है, हम लोग फ्लाईओवर को क्लिम कर रहे हैं, एक फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं, फिर भी ये 34 का स्पीड मेंटेन कर रहा है। अब लगातार देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये स्कूटर इससे ज़्यादा जा सकती है, इसका कंट्रोलर से इसकी स्पीड को कम किया हुआ है। अब जो कि शार्प थोड़ा और चढ़ाई आया तो 32 का स्पीड यहाँ पे आ गया, और देखते हैं ये कितना कम होता है या नहीं होता है। नहीं, मैक्सिमम मिनिमम 32 तक आता है अगर हम फ्लाईओवर क्लेम करते हैं, मतलब फ्लाईओवर चढ़ाते हैं स्कूटर पर, ज़्यादा जोड़ पड़ता है तो ये 32 तक मिनिमम जो आता है। फिर देखिए 34 इसने मेंटेन कर लिया, तो ये एक अच्छी स्कूटर है। इसके अलावा मैं आपको इसके बाद जो दिखाऊंगा वो बहुत जैसे शार्प क्लेम होता है, बहुत गहरी चढ़ाई होती है उस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है कहीं ना कहीं दम तोड़ दिया करती है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर वहाँ पर दम नहीं तोड़ेगी। हम इसके अभी नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरने में कितना स्पीड तक जो जा सकती है उसको देखते हैं। बाकी हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है इसकी, आप बहुत ही अच्छे से इसको पकड़ सकते हैं, बहुत जल्दी हैंडल में आ जाती है। छोटे लोगों के लिए, खासकर लेडीज़ के लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा जिनका वेट कम है, क्योंकि ये भी कम वेट की है, लगभग 55 से 60 केजी का इसका वेट है। और अगर किसी लेडीज़ का अगर वेट कम है और उसको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलानी है तो वो इसको चला सकती हैं आराम से। आगे देखिए 36 का स्पीड यहीं पे इसको मेंटेन किया हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि नहीं तो अभी हम लोग जैसा उतर रहे हैं इस पर स्पीड बढ़ता है, लेकिन इसका स्पीड बढ़ता है लेकिन कम शो करता है। जैसा कि मैंने एक्टिवा से थोड़ा सा वहाँ पे देखा, उसका मीटर 40 पे था और वो स्कूटर जो है एक्टिवा जो है वो और हमारा जो है 34 पे था, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था। अब मैं यहाँ पे एक जगह ऐसा खोजने का कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे अचानक से कुछ जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर को कहीं भारी जगह पे चढ़ाने का मौका मिले। तो मैं ये आप देख रहे हैं कितना गड्ढा है यहाँ पे, मैं इस पर अभी चढ़ा के आपको दिखाऊँगा। उस तरफ से मैं जाता हूँ, उस तरफ से आऊँगा यहाँ पे। इसका बस क्योंकि इसका बस एक ही डिसएडवांटेज मुझे अभी तक नज़र आया है कि क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो ये क्या हो रही है कि जो ज़मीन में कहीं कहीं सट जा रही है। तो चलिए वहाँ पे मैं आपको, बंदा चढ़ जाता है उसके बाद मैं दिखाता हूँ, और मैं बहुत नज़दीक से कोशिश करूँगा कि इसको चढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं तो हमारा फोर्स जो है हमें चढ़ाने में मदद करता है। मैं ऐसे ही इसको चढ़ा के आपको दिखाता हूँ। आपने देखा ये कितना आसानी से चढ़ गया, आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा। मैं आपको फिर दिखाता हूँ वो हाइट कितना है। आप वो जो क्विड देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं कितना नीचे है। बड़ा ही कंफर्टेबल है ये, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। और चलिए इसको फिर से इस तरह करते हैं, और मैं वहाँ पे ले जाके बिल्कुल स्लो करूँगा इसको। तो हम एकदम कॉर्नर पे आ गए, मान लीजिए आप यहाँ पे आके अटक गए, ठीक है, इसके बाद आपको चढ़ाना हो, देखते हैं कितना पावर है, क्योंकि दूर से आने में हमारा फोर्स हमें मदद कर देता है। एक मिनट, पीछे वाला चक्का स्पिन किया, ठीक है, उसके बाद भी इसने चढ़ा लिया। मुझे पैर थोड़ा रखना पड़ा क्योंकि स्पीड स्लो हो गया था, लेकिन इतना पावर मुझे हीरो इलेक्ट्रिक के किसी भी स्कूटर में अभी तक नहीं मिला है। इवन किसी के भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे इतना पावर आज तक नहीं मिला है, सिर्फ उसका वर्कास की जो है क्रोनिलाई में ही मिला है। अभी तक मैंने जो चलाया है, मैंने अभी तक फेमस इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका 80 के आसपास का स्पीड है उसको मैंने नहीं चलाया, हो सकता है वो भी चढ़ जाए, लेकिन ये बेसिकली एक 250 वाट का मोटर जो है इतना कैपेबल है। और एक बार यहाँ पे इसने जो है व्हील स्पिन भी किया था अभी चढ़ाने में, आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लैक सा, तो एक व्हील स्पिन कर रहा था यहाँ पे इसका चढ़ने में, मतलब जो स्ट्रगल है वो व्हील स्पिन करके भी, ये कोशिश करके आखिरकार इसने इसको चढ़ा दिया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैं तारीफ़ करूंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर को। मैं यहीं पे वीडियो बंद करना चाहूंगा अब, क्योंकि मैंने फ्लाईओवर भी आपको दिखा दिया, इतना डाउन हिल भी चढ़ा के दिखा दिया। इसका दाम लगभग 60,000 रुपये के आसपास आता है सहारा इवोल्व्स के शोरूम पे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को अभी तक आप अंडर मतलब मानते होंगे कि ये फालतू है ये वो, तो एक बार आप वर्कास के क्रोनिलाई को चला कर देखिए, आपका नज़रिया बदल जाएगा।
और काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मुझे पता नहीं ये 3 साल का वारंटी देते हैं तो कितना मतलब सभी शोरूम्स में जब भी आप परचेज़ करने अगर जाते हैं तो आप ज़रूर उसमें पूछ लीजिएगा, दोबारा रिकन्फर्म कर लीजिएगा कि ये वारंटी किस किस चीज़ पे है, कितना है उसमें, कहाँ आपको वारंटी बुक मिलता है ATC, तो वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। ओवरऑल ये बहुत ही मजबूत पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे अभी तक के एरा में दिखी है 60,000 रुपये के रेंज में, और काफ़ी ज़्यादा फीचर लेस भी, मतलब एक नंबर पे अगर चलाएं तो और ज़्यादा माइलेज देगी ऐसा कंपनी वाले बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की रिव्यू। अगर आपको इसका टेस्ट ड्राइव लेना है तो आप इसके शोरूम यानी सारा वोल्स के शोरूम पे अपने नज़दीक में जा सकते हैं, और पटना में रहते हैं बाईपास रोड पे इसका शोरूम है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए और वहाँ जाके इसका टेस्ट ड्राइव लीजिए। ख़रीदना हो ना ख़रीदना हो उसका मतलब नहीं है, टेस्ट ड्राइव जाके लीजिए। इलेक्ट्रिक का ज़माना आने वाला है तो ज़रा उसका एक्सपीरियंस लीजिए। चलिए, धन्यवाद।